एवरीवन, दिस इज शिवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा होममेड फेशियल शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी स्किन को ग्लासी ग्लोई लुक दे देगा। जैसे कि मेरी स्किन अभी ग्लोइंग नज़र आ रही है, ग्लासी लुक दे रही है, वैसे ही आप भी पा सकते हैं घर में ही फेशियल करके। और ये फेशियल कुछ ऐसा है कि आपको ये बिल्कुल पार्लर जैसा ग्लो देगा, कोई भी पहचान नहीं पाएगा, इवन आप खुद भी शॉक्ड रह जाएंगी। ये फेशियल करके आपको बिल्कुल ऐसा ही फील होगा जैसे आपने पार्लर से फेशियल करवाया है। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। बट बिफोर स्टार्टेड द वीडियो, मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। उसके पास एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। लास्ट में आपको मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। तो अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, आपका चेहरे पे डार्क स्पॉट्स नज़र आते हैं, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, तो ये फेशियल आपके चेहरे से ब्लेमिशेस को निकाल देगा। आपके किचन में कुछ ऐसे अच्छे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनसे आप ये फेशियल कर सकते हैं। सो इसीलिए आज मैं आपके लिए आपके साथ ऐसा एक फेशियल शेयर कर रही हूँ जो आपके घर में आपको आसानी से अवेलेबल होगा। उन इंग्रेडिएंट के साथ आप ये फेशियल कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिख पाएंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन एलर्जिक है और आपको वो इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप उनको स्किप कर दीजिए या फिर आप वो फेशियल मत कीजिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आपकी मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको जो भी फेशियल या जो भी होम रेमेडीज़ हैं वो बताती हूँ, बट अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप उसको बिल्कुल मत कीजिए। सो चलिए अब देख लेते हैं ये फेशियल कैसे करना है। ये होममेड फेशियल करने के लिए हमें चाहिए दही यानी कि कर्ड, और आपके पास इस तरह से कर्ड आपको अपने हाथ में लेना है, आपके किचन में अवेलेबल होगा, अदरवाइज आप शॉप से परचेस कर सकते हैं। और इससे पहले हम अपने चेहरे को क्लेंस करेंगे। क्लेंजिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि चेहरा जो भी डर्ट होगी, पोल्यूशन होगा, वो रिमूव हो जाता है, तो उसके बाद हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। और याद रखें, चेहरे पर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एक ग्लासी लुक पा पाएंगे अपने चेहरे पे पा सकेंगे। और यहाँ पे मैंने क्लींस कर लिया है चेहरे को, अब मैं इसे वाइप आउट कर लूँगी एक वेट वाइप की हेल्प से। आप चाहे तो फेस को वॉश कर सकते हैं नॉर्मल वाटर से, और नॉर्मल वाटर ही यूज़ करना है आपको, लिक बॉम वाटर या फिर वॉम कुछ भी पानी ऐसा कुछ नहीं लेना है, नॉर्मल वाटर यूज़ करना है आपको। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप फॉलो करना है, एक्सफोलिएशन करना है, अपने चेहरे को एक्सफोलिएट करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे शुगर पाउडर ले रही हूँ और इसमें दही ऐड करके इसको मिक्स करके इसका स्क्रब तैयार हो गया है। उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लग रहा है, क्योंकि दही और चीनी मेरा फेवरेट है, मैं तो खाती हूँ। आपको पसंद है या नहीं कमेंट में बताइएगा। तो यही खाने के साथ साथ हमारे चेहरे के लिए भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है शुगर पाउडर। तो आप इसे अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद अच्छे से हमें जेंटली मसाज करना है 2 से 4 मिनट तक। अच्छे से मसाज दीजिएगा, मसाज कैसे करना है वो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। इस तरीके से आपको अपवर्ड डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में मसाज करते जाना है एवरी पार्ट अपने आपके फेस पे। और यहाँ पे मैं राउंड सर्कुलर मोशन में अपने फोरहेड पे मसाज कर रही हूँ, नोज़ एरिया के आसपास। इससे जो ब्लैकहेड वाइटहेड होते हैं वो निकल जाते हैं, डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे। और आप देख सकते हैं कि मसाज करने के साथ ही साथ फेस पे कितना अच्छा शाइन आ रहा है, ग्लो आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूदन है, सॉफ्ट है, और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो स्किन से सारी डेड स्किन को रिमूव कर देंगे और डार्कनेस को, पैचिनेस जो हो जाती है उसको रिमूव कर देंगे। तो आपको इसी तरह से इसी डायरेक्शन में आपको अच्छे से मसाज देना है बहुत ही हल्के हाथों से। इससे आपकी स्किन की जो लूजनेस है, स्किन बहुत ज़्यादा लटक जाती है, आपकी एज लगने लगती है जिस वजह से, तो आपकी जो स्किन है वो टाइटन अप हो जाएगी ऐसे मसाज करने से। और ये शुगर जो है वो नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करती है अच्छे से हमारे चेहरे पे, बहुत ही अच्छा स्क्रब माना जाता है शुगर को, और दही के साथ मिल करके इसके क्या ही कहने हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल कर देती है ये हमारी स्किन पे। ये फेशियल आपको महंगे से महंगे फेशियल की तरह ही रिज़ल्ट देगा, बस आपको इसे हफ्ते में एक बार ट्राई करना ज़रूर है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी है तो आप 15 दिनों में, 15 डेज़ में एक
एक बार या दो बार ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपके चेहरे पे नहीं होगा। तो आप आराम से जब भी आपके पास टाइम होता है आप इसको अप्लाई कर लीजिए, किसी पार्टी में जाने से पहले भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फेस पैक रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने इस दही में सिर्फ मुल्तानी मिट्टी ऐड कर ली है और इसको मिक्स करके अपने चेहरे पर अप्लाई कर लूँगी। अब इसे मैं 15 मिनट तक लगा रहने दूँगी और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है और मुल्तानी मिट्टी आप सब जानते ही हैं चेहरे से पिंपल्स को दूर करती है, और अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हो गई हैं उनको दूर करती है, चेहरे को ठंडक प्रोवाइड करेगी, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और सॉफ्ट एंड सपल आपकी स्किन हो जाएगी। और यहाँ पे अच्छे से मैं इसको अप्लाई करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं या फिर वाइप आउट कर लीजिए। आपको ये फेशियल एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक को कवर करना नहीं भूलना है, गले पे ज़रूर अप्लाई करें। और अच्छी तरीके से हम यहाँ पे इसको अप्लाई करके अपने चेहरे को वॉश कर लेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल फील दे रही है। जब आप करेंगे ये फेशियल तो आपको फ़ील होगा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग फील करेगा ये। और लास्ट में अपने चेहरे पे यहाँ पे मैं रोज़ वाटर अप्लाई कर रही हूँ, गुलाब जल अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो रिलैक्स हो जाएगी। और अब यहाँ पे टैप टैप करके पूरी स्किन पे मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, रोज़ वाटर है तो उससे उसको अप्लाई कर लीजिए। अब आप रिलैक्स कर सकते हैं और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा कमाल नज़र आने वाली है। तो किसी को भी ये सीक्रेट मत बताइएगा और ये फेशियल ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले ऑसम वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।